नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं ICI न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आ रहे थे, उस वक्त का एक वीडियो है। उसमें राहुल गांधी जी ने संघ और बीजेपी पर नया वार किया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जनसभा के दौरान राहुल गांधी जी ने बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया कि बीजेपी कभी भी जय सियाराम नहीं बोलती, वो जय श्री राम बोलते हैं। उस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। जो भगवान राम थे वो तपस्वी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में डाल दी। सही या गलत? सही बात, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, गांधी जी हे राम कहते थे, गांधी जी का नारा था हे राम। हे राम का मतलब क्या बताइए? जब गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? चुप हो गए? नहीं, हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीके का तरीका था। राम सिर्फ एक भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक जिंदगी जीने का तरीका था। प्यार, भाईचारा, इज्जत, तपस्या, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, जीने का तरीका दिखाया। और गांधी जी जब हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। दूसरा नारा फिर उन्होंने कहा, देखिए एक नारा हे राम, सुनो सुनो, डिस्टर्ब मत करो, एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया की, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सियाराम, जय सियाराम। अब जय सियाराम का मतलब क्या है ये पंडित जी ने मुझे बताया, सिखाऊं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सिखाऊं। जय सियाराम का मतलब क्या है? दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सियाराम का मतलब जय सीता, जय राम। मतलब क्या? कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सियाराम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते ही नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही। तो जब हम जय सियाराम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही। जय सियाराम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रीया राम और हे राम क्यों नहीं करते।
मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी, भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की, सही, ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सियाराम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सियाराम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम, तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए।